मीनवाइल अपना फॉलोअप शुरू कर लेते हैं ना। सचिन, लास्ट टाइम आपने जो फॉलोअप शीट दी थी उस टाइम उसमें कितनी एंट्रीज रजिस्टर्ड थी? सर मैंने नहीं सर, इसने विवेक ने दी थी। आपने सचिन, अच्छा सचिन वो फंक्शन मैरिज फंक्शन पे गए थे सिस्टर के, तो यस सर। आप नहीं दे पाए थे। ठीक है, अभी प्रेजेंटली हमने आज भी एक फॉलोअप शीट मांगी थी, मेरे को लगता है उसमें आपके पास अदिति कश्यप ज्वाइन कर रही है। एक बार तरुण को कन्वे करो कि उसको वेबकैम ऑन करना पड़ेगा। हेलो तरुण। हेलो सर। हाँ जी बस तरुण सर, एक्चुअली सर वेबकैम बस सर मैं कुछ टाइम के लिए ऑन कर लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि सर मैं भी थोड़ा बाहर बाहर कोई कोई हूँ, कोई तो इशू बस नहीं, मैंने मतलब कनेक्ट कर लिया मीटिंग में। कोई कोई इशू नहीं है तरुण, अभी ऐसे ही रहने दो। जब हमने फोटो हेलो क्लिक करनी है तब अदिति, आप ज्वाइन प्लीज करो। टर्न ऑन योर कैमरा। अदिति कैमरा ऑन कर ओके लो। सर। हाँ अब अच्छा ये अदिति है वही जो यस मैंने कहा सुबह आज रो रही है ना? यस ओके ओके, नहीं देखो ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन जो फेस रीड कर रहा होता है सामने वाला उसके हिसाब से। सचिन मैरिज पे गया था, वापस आया, अभी सेकेंड राउंड की इवैल्यूएशन के लिए उसने अपना डेटा फाइल नहीं शुरू किया। कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर आपकी फर्स्ट फॉलोअप शीट में कितने लोगों की डिटेल थी? सर फॉलोअप में सर 8 थे। सेकेंड फॉलोअप में अगर अब हम आज ले रहे हैं तो कितने लोग वैल्यू एडिशन किए आपने? सर एक्चुअली अब मैं ना स्टूडेंट्स को कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको जो शॉप वाले उनको कांटेक्ट कर रहा हूँ, टीचर्स हो गए वेरी गुड। इनको मेन। यस सर। अभी विवेक एक फोटो लेना है, ग्रुप आ गया ना सर आप? ओके हाँ, ओके। अभी कभी भी फोटो क्लिक कर लो आप अपने हिसाब से। विवेक कभी कर ले भाई प्लीज। हाँ ओके और उसके बाद चलो टोटल नंबर कहाँ पहुँचा वीसी क्रिएशन? 11 हो गए मेरे। 11 हो गए आपके इंडिविजुअल काउंट पे, 11 हो गए। रियाज यस। आपका लास्ट टाइम का काउंट कितना था? सर लास्ट टाइम मैंने फॉलोअप शीट नहीं दी थी कोई, मुझे ओके पता ही नहीं था मतलब कब दी थी करके। मैंने ली उसके बाद जब आपने बोला था ना शीट देनी थी, उसके बाद मैंने आपसे शीट ली थी। ओके तो आज की डेट में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं नंबर पे? सर वैसे मैंने रिसेंट में तो देखा नहीं था, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता मेरे को कितना काउंट है, बट अप्रोक्स 6 to 8 आई गेस। ठीक है 6 to 8 आपके पास है, यहाँ 11-12 हैं तो 20 हो गए। सचिन ने अभी शुरू नहीं किया लेकिन सचिन अब डबल स्पीड से काम करेगा तो विल मेक श्योर कि अपना कंप्लीट कर ले। तरुण आपके पास फॉलो अप शीट में लास्ट टाइम और अभी का क्या स्टेटस है? सर लास्ट टाइम तो अराउंड 12 से 13 लोग थे, बट सर अभी मैंने काफी लोगों से इंटरेक्ट किया है। वेरी गुड। अब आगे सर मतलब उनके उनकी एंट्री अभी सर लिखनी बाकी है, पर मेरे पास सबके कॉन्टेक्ट नंबर है। हाँ ठीक है गुड, अभी बातचीत चल रही है और उसकी कन्वर्जन अभी हुई नहीं है, वो आगे हो सकती है। जी सर अभी मतलब अराउंड सर 90% चांसेस ऑफ कन्वर्जन, बट सर 10% इज स्टिल दैट दे आर नॉट कन्विंस्ड येट। ओके ओके चलो ठीक है गुड, यू कीप ट्राइंग। अदिति लास्ट टाइम का फॉलो अप कितना था अपना नंबर? सर मेरे 2 थे और अभी 5 हुए। 5 हुए। अदिति थोड़ा हम तेज करें तो ये मेरे को लगता है दिन का हम 3 निकाल सकते हैं। एक एवरेज टाइम कितना लगता है एक क्लाइंट को बात करने के लिए आपके हिसाब से? 5 to 6 मिनट। हाँ 6 मिनट × 3 इज टोटल 18 मिनट्स। हम 18 मिनट्स और करें तो हमारे आपके टोटल, अभी मुझे लगता है कि ये अंडर परफॉर्मिंग होने का रीजन क्या है, क्योंकि मुझे मैं फिर से एक रिपीट कर रहा हूँ, इस ग्रुप में सारा मेल डोमिनेटेड ग्रुप है, आप एक एक्सेप्शन हो, और कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन के लिए कैंपस में आप अगर इंडिविजुअली जाने में अनईजी फील कर रहे हो तो आप टीम अप होके जाओ, क्योंकि अकेले अकेले हो सकता है कि आपको अनईजी लग रहा है, सामने वाला मतलब मिसबिहेव कर सकता है या कुछ भी आपको अगर लगे, तो यू शुड मेक अ टीम ऑफ सम ऑफ योर बैचमेट्स जो इस ग्रुप में है और यू कैन गो, क्योंकि अकेले कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन जब 2 लोग मिलते हैं और आपको थोड़ा सा कंपैटिबल लगता है आपस में टीम में काम करना, तो आप उसको 3 से मतलब जो 6-7 का नंबर भी इजीली टच करेंगे, एक एक्साइटमेंट और एनर्जी लेवल आ जाएगा। ओके सो ट्राई इट और उसके बाद ये नंबर्स को थोड़ा अपग्रेड करें। तरुण बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपनी तरफ से पूरा कर दे रहा है। कोऑर्डिनेटर आपका भी एक्टिव है, उसकी भी कन्वर्जन की मेरे को थोड़ी सी हिंट है कि वो भी एक फैकल्टी के कन्वर्जन के पास में बड़ा क्लोज है, बट टिल द टाइम अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है नथिंग इज फाइनल, है ना। एंड सचिन भाई आपको भी थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एक चीज़ देखो, स्टूडेंट्स को टारगेट करने से बहुत फ़ायदा नहीं होगा, पीजी ओनर्स जहाँ पे ये स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनके पीजी ओनर्स से बात करो, यू मे गेट समथिंग पॉजिटिव।
सर आज मैंने दो लोग से बात करी है, वो हाँ। मतलब 95% है, एक मेरा फ्रेंड ही है और हाँ। एक यहाँ शॉपकीपर है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आपने अपना अकाउंट ओवर अचीव कर लिया जैसे एक मिनिमम है और आप दो कर पा रहे हो, तो आप किसी टीम मेंबर को सपोर्ट दे पाओगे। और मेरा यहाँ टारगेट क्या है कि आप लोग सर्वाइवल के लिए एक एक अकाउंट दे रहे हो, लेकिन अगर ओवर अचीव करते हो तो आप देखो बेस्ट परफॉर्मिंग टीम में निकल के आ सकते हो। और जो मुझे लग रहा है कि तरुण अपना डिलीवर करेगा पक्के से, कोऑर्डिनेटर अपना डिलीवर कर देगा, रियान की भी कॉम्पिटेंसी पे कोई डाउट नहीं है, और सचिन भी अगर पॉजिटिव है दो लेके आने की बात कर रहा है, यानी पॉसिबल आज की डेट में दो है। तो अगर एक दिन में दो दिखते हैं तो चार पांच दिन में शायद पक्का दो तो है ही है, बाकी कुछ ना हो तो, है ना, आठ लोगों में से दो कन्वर्जन हो जाएंगी। और नीडफुल लोगों को टैप करें उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आज मैंने पहली बार एक एक्सेप्शन किया है पूरे असाइनमेंट के अंदर, तरुण का केस था, तरुण का केस चल रहा था एक वेंडर को लेके, उनके सैलरी अकाउंट्स को लेके, अब इसने लीड दी, हमने आगे फॉरवर्ड की, वहां से कुछ चैलेंजेस आए, उस हिसाब से हमने पूरी इंक्वायरी करके देखा कि क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं, उन ऑप्शंस में फिर आगे गए तो कहीं ना कहीं टेक्निकल डेफिनेशन जो उन्होंने बना रखी है वो सोशल कवर वाले अकाउंट्स की, उसमें हम फिट इन नहीं हो रहे। तो लास्ट मिनट में मुझे ये दिखता है कि तरुण किसी से बात कर रहा है, वो आदमी भी देखो वो अपना टाइम दे रहा है हमें, अपनी तरफ से इंटरेस्टेड है हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए, लेकिन हम अगर अपने एग्जिस्टिंग बैंक के साथ उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने इमीडिएटली साउथ इंडियन बैंक में फ़ोन करके पूछा और उनके लोगों ने कन्विंस किया कि हाँ ठीक है सर। मैंने उनको कोट जो किया था 500 to 1000 की वैल्यू रखी थी कि इसके बीच में कोई रख सकता है, ज़रूरी नहीं है सब रख सकते हैं। और रमन करके जो वहाँ का स्टाफ है वो मेरे साथ अमृतसर ब्रांच में था, कभी कभी मैं जो स्टोरीज बताता हूँ उसमें रमन भी बीच में आता है, और ये वही रमन है जिसका नंबर तरुण को शेयर किया, बट उससे हमने अपनी क्लास की कोई बात नहीं रखनी है। हाँ बट ये है कि हाँ तरुण बताइए। सर जो रमन सर थे मैंने उनसे बात करी थी आपके रेफरेंस के थ्रू। सर वो मतलब उस टाइम पे बात समझ तो गए थे, पर वो कह रहे थे कि जो मिनिमम बैलेंस है वो 1000 मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अगर नहीं करते इन केसेस तो अराउंड 285 का पर मंथ चार्जेस डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है तरुण, एक चीज और है देखो इसमें ना, उनको भी बिजनेस मिल रहा है, हमें भी एक एक्सपेक्टेशन है कि हमारी एक सर्विस वाला काम हो जाएगा, लोगों की सैलरी उनके थ्रू बढ़ जाएगी, उनको अपना अकाउंट मिल रहा तो उनको बिजनेस मिल रहा है ना, हमें भी प्रोफेशनली नेगोशिएट करना है, हम बैंकर नहीं है यहाँ पे, हम क्लाइंट के लिए एजेंट की तरह से काम करना है। तो आप रमन को ना एक टेक्स्ट मैसेज डालना कि सर हमने ये आगे बात रखी थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें नो फ्रिल अकाउंट बताएं, हाँ जीरो बैलेंस अकाउंट बताएं, अब हम उसमें लोगों के अकाउंट में 20,000 रुपए डालेंगे, कुछ लोग हैं जो रख पाएंगे, सब नहीं रख पाएंगे, तो आप खुद से देख लेना, जो रख पाएगा उसका नॉर्मल अकाउंट कर देना, उसको दे देना सारी फैसिलिटीज, जो नहीं रख पाएगा उसको एक पासबुक दे देना कि जब भी उसको पैसा निकालना होगा तो ब्रांच में आके निकलवा लेगा महीने में एक बार, ठीक है। बाकी उनके ऊपर वो कैसे इन लोगों को कन्विंस करके इनके अकाउंट को दूसरे अकाउंट में कन्वर्ट कर पाते, क्योंकि जो फाइन वाला पॉइंट है अगर मुझे पता चलेगा तो मैं तो नहीं इंटरेस्टेड हूँ। हाँ तो हम वही अकाउंट की बात करें, नॉर्मल अकाउंट की हम बात ही ना करें, उसको बोलो कि सर ने आज फिर शाम को हमसे जो बात की है वो बात कर रहे थे कि क्या सरल अकाउंट, नो फ्रिल अकाउंट इस टाइप का कोई अकाउंट है, क्योंकि लोगों को मिलेंगे 20,000 बट हम किसी की गारंटी नहीं ले पाएंगे। वो देखो लेबर क्लास के लोग जो होते हैं या जो क्लास 4 एम्प्लॉयज होते हैं या जो एक कैंटीन्स में भी सर्विस वगैरह कर रहे हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत से पैसा कमाना है और फिर अपने घर भेजना है, फैमिलीज इनकी वहीं उनके होम टाउन्स में होती हैं, तो उनको कन्विंस करना इज लिटिल बिट चैलेंजिंग। हाँ बाकी वो जब आपके सामने फेस टू फेस आ जाएंगे आप बात करना, ऐसे अगर हम करेंगे तो ये तो कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो सर वो सरल अकाउंट के लिए पूछ रहे थे कि जिसमें फाइन का ना एलिमेंट हो, ठीक है। और एक्चुअली रमन मुझे ये कह रहा था कि अगर सर जरूरत पड़ेगी तो हम आ जाएंगे यूनिवर्सिटी में अकाउंट खोलने के लिए, सारा काम हम वहीं करके चले जाएंगे, तो वो अपनी तरफ से फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर 1000 रुपये का ही अकाउंट खोल रहा है और वो अगर कैंपस में ही खोल रहा है, तरुण इसमें ना एक और चीज कर सकते हो, सुचित्रा ज्वाइन कर रही है, मैं इसके बाद जल्दी जल्दी वाइंड अप करूंगा, फोटो जो क्लिक करनी है आप करो, है ना सर। फोटो क्लिक सर, एक सर एक मेरे को भी काम था। हाँ बताइए, पूछना था एक चीज। बताइए सर, जैसे मेरे को ना एक फ्रेंड ने सामने से बोला था कि मतलब ऐसे ही कुछ बात चल रही थी हमारे, तो उसे एक मतलब स्पेयर अकाउंट खोलना था, स्पेयर इन द सेंस की उसका जो मेन अकाउंट था वो तो अलग था, उसको ऐसे अपने पैसे सेव करने के लिए एक अकाउंट खोलना था। तो मैंने उसको प्रपोज किया ये वाला, तो मतलब उसको अकाउंट की नीड है, बट ही इज लाइक कि आई कांट डिपॉजिट 10,000, आई मीन आई कांट मेंटेन द 10,000 मिनिमम बैलेंस। नहीं 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 सुनो, इस चीज में मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज, 10,000 का अकाउंट ओपनिंग है यानी आपको पहले दिन 10,000 के साथ ही खाता खोलना,
लेकिन उसके बाद जैसे ही आपका एटीएम आ जाता है या आप ब्रांच में पहुंच के विड्रॉल फॉर्म यूज करके कुछ पैसा निकालना चाहो इज अलाउड। आपको एवरेज जो है वो 2500 रखना है, एवरेज 2500 ही। उसमें कोई मतलब वो है क्या, जीरो बैलेंस अकाउंट का कोई ऑप्शन है क्या? यस, जीरो बैलेंस एक्चुअली अकाउंट तो होता है, लेकिन मैंने बताया ना तरुण के केस में वो हमारे पूरा क्लियर हो गया। वो लोग 1,00,000 रुपए तक की जो कैश एनुअल लोगों की इनकम है उन्हीं को उसमें डाल पा रहे हैं, और उसके लिए वो KYC करेंगे, और कुछ KYC के अंदर जो सारे आपके सोर्सेज दिखते हैं इधर उधर से, पैन नंबर जो कनेक्टेड है सब लोग जगह से, तो उनको रिट्रीव करके वो वेरीफाई करते हैं कि क्या ये इस कैटेगरी का है भी कि नहीं, सोशली वो सेगमेंट को है जिसको कि ये BPL सेगमेंट में डिफाइन करके उसको जीरो बैलेंस अकाउंट दे रहे हैं। एक्चुअली बैंक्स स्टूडेंट अकाउंट तभी खोल रहे हैं अगर उनको यूनिवर्सिटी एक मोटा अकाउंट दे रहा है जिसमें स्टाफ की सैलरी जा रही है। सीधा सीधा लेन देन है, बार्गेन है। बैंक में जितने कैंपस में जितने भी बैंक्स हैं ना, सब में सैलरी अकाउंट खुलते हैं स्टाफ के, कहीं 500 कहीं 700, और इन सैलरी इन स्टाफ को 700 स्टाफ को 50,000 एवरेज सैलरी मिल रही है। जस्ट इमेजिन कितना मोटा कैश फ्लो आ रहा है। तभी ये लोग कैंपस के स्टूडेंट्स को स्टूडेंट अकाउंट दे रहे हैं जिनमें कि उनको कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये कैंपस के बाहर है, आप जीरो बैलेंस खोलने के लिए जाएंगे, वो आपको पहला चीज ये बोलेंगे कि आप अपने कैंपस के बैंक में नहीं क्यों खुलवाते हो, ठीक है? वो कुछ लॉजिकल पॉइंट पुट अप कर देंगे, क्योंकि ये बच्चा एक अपनी सेविंग के लिए रखना चाह रहा है। तो उसे ये कहा जा सकता है कि यार ये सिचुएशन बैंक की है, हम आपके सामने पोस्ट कर रहे हैं, और बाकी हम ये पुट अप कर सकते। एक्चुअली क्या है ना, बैंक का जो मैनेजर है वो थोड़ा सा रिजिड है चीज़ों को लेकर। हम बार बार अपने स्टाफ के थ्रू ये पुट अप कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये चैलेंज है। आज जैसे तरुण का केस था, वो साउथ इंडियन बैंक में अकाउंट जा रहे हैं। अगर ये वहाँ चले जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हम इन लोगों के कुछ प्रूफ कलेक्ट करके कि इनके साउथ इंडियन बैंक में चले गए, ये रीजनल हेड को भेजेंगे कैथलिक सीरियन बैंक में कि आपने एक अपॉर्चुनिटी लूज की। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन हर छोटी अपॉर्चुनिटी को पकड़ना चाहिए। आप अपने कंपिटिटर को स्पेस दे रहे हो, वो पहले आपके पास आए थे, आपने अपने पॉइंट्स पुट अप करके रिजेक्ट किया, इसलिए वो सामने वाले पे चले गए। और वो देखो 20,000 के 20 अकाउंट है, अगर उनमें से 3 या 4 अकाउंट भी सही आपके हाथ आ जाते हैं तो आपका काम हो गया। आपको सबको नहीं पकड़ पा सकते, वो तो पॉसिबल नहीं, ठीक है? तो मेरा वही पॉइंट है आपका, जो मैं उनको हम कन्विंस नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट अकाउंट के लिए, तो वो अगर 10,000 से एक दिन खोल दे और उसके बाद वो विड्रॉ कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2500 एवरेज रहना चाहिए, यानी सारा भी निकाल लेगा ना 2-4 दिन के लिए, फिर वापस ला के डाल देगा थोड़ा पैसा 2500 तक, तो फिर भी बैलेंस हो जाएगा, मतलब फाइन नहीं लगेगा किसी भी टाइप से। ओके, और उस पर मतलब इस पे इंटरेस्ट रेट तो सेम ही है ना, 8% वाला? नहीं नहीं, इसमें देखो जो हम सेविंग अकाउंट लेते हैं उसमें आपको FD का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये नॉर्मल अकाउंट, वो स्वीप अकाउंट हो जाता है ना सर? वो स्वीप अकाउंट हो जाता है, इनके पास स्वीप नहीं है, इनके पास FD के लिए आपको अलग से इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए बच्चे का पैसा भी ठीक ठाक आना चाहिए। अगर वो रख रहा है अच्छा खासा बैलेंस तो फिर हम FD खोलेंगे, मिनिमम बैलेंस इसमें रख के 2500, बाकी जितना भी पैसा आता है लमसम में आप उसको FD के लिए प्रमोट करो, FD को अकाउंट से कनेक्ट कर देंगे, और वो जब भी आपको विड्रॉ करना है वो नेगोशिएट कर सकते हैं। बट पहले उसकी सिचुएशन देखो कि क्या वो FD वाले कंसेप्ट में जाना चाह रहा है या सेविंग में ही रखना चाह रहा है। उसकी भी सिचुएशन है ना, वो फंसेगा, बोलेगा मुझे लिक्विड पैसा चाहिए, कभी भी निकालना पड़ सकता है, तो हमें उसको फिर देखना पड़ेगा, बैंक में फिर पूछना पड़ेगा। क्योंकि मुझे जितना याद है मैंने इस बैंक में बात किया था, तो फ्लेक्सी अकाउंट के लिए वो कुछ क्लियर नहीं हो रहे थे है ना, और उनके रेट हाई जो है वो FD के लिए, और वो भी कुछ 700 डेज का कुछ FD है। अब उसमें क्या है, 700 डेज तो बहुत लॉन्ग टर्म है, उसमें क्यों जाएं? हम बस अभी सेविंग अकाउंट को टारगेट करें, और उसके बाद अगर पार्टी स्ट्रांग है, कैश डिपॉजिट देगी, तो उसके लिए डिपॉजिट की फैसिलिटी के लिए फिर से हम रेट वगैरह देख के बात करें अलग से। क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊं, ब्रांच को भी नहीं पता होगा, अगर पार्टी बहुत तगड़ी है, 50,00,000 के ऊपर का डिपॉजिट दे रही है, तो ब्रांच मैनेजर के पास पावर होती है कि वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट फ़ोन करके बताए कि ऐसा एक क्लाइंट आ रहा है हमारे पास, उसको हमें स्पेशल रेट देना है, ठीक है? ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, कहीं ये 1 करोड़ की वैल्यू है स्पेशल डिपॉजिट की, कहीं 50,00,000 की है। कैथलिक सीरियन बैंक में मुझे लगता है 50,00,000 का डिपॉजिट स्पेशल डिपॉजिट में जाएगा, तो उसके लिए स्पेशल रेट्स ले लेते हैं मैनेजर के। ये सीखने वाली चीज है, पूरे प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं। किसी के एक से ज्यादा अकाउंट हो जाते हैं तो दूसरे को कर पाएगा। अदिति, आपका क्या रिपोर्ट था लास्ट टाइम और अभी? आपने बताया 2 और फिर शायद अभी 5।
है ना, आपके कोई कन्वर्जन दिख रहे हैं आपको पांच में से? एक दिख रहा है, एक दिख रहा है। आवाज भारी हो गई है आपकी बताते हुए कि दिख रहा है मुझे। चलो कोई नहीं, हम फिर एक काम करते हैं, एक आध दिन में आप लोगों के जो इंटरेस्टेड लोग हैं ना उन्हीं का डाटा कलेक्ट करेंगे, सब करेंगे, एक शीट लेंगे, उस शीट में सारे टीम अपने पॉजिटिव केसेस को पुट अप करेंगे, वो हम उसको रिपोर्ट कर देंगे डिपार्टमेंट में। और जो रिमार्क्स वाला सेक्शन है ना लास्ट, उसमें आप उसमें मेंशन कर देना कि अगर इसको कोई स्पेशल फैसिलिटी चाहिए तो क्या हम दे पाएंगे। क्लियर? होता क्या है कि दोनों पार्टीज की अपनी रिक्वायरमेंट है, बैंक की अपनी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट है। कस्टमर अगर कुछ स्पेशल मांग रहा है जैसे क्रेडिट कार्ड चाहिए या पॉइंट ऑफ सेल मशीन चाहिए या कुछ और चाहिए, उसका मेंशन कर दो रिमार्क्स में, हम वो शीट उनको देंगे, वो अपने रीजनल हेड से बात करेंगे, अगर उनका वो वायबल होगा वो हाँ करेंगे तो हम आगे क्लाइंट को हाँ कर देंगे, अगर वो ना करेंगे तो हम कोई मिस कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, जो उधर से आ रहा है वो सीधा इधर जाए और जो इधर से आ रहा है वो सीधा उधर चले जाए। और अगर कुछ पॉजिटिविटी दिखती है दोनों को नेगोशिएशन टेबल पे आमने सामने करते और बस वहां से हम एग्जिट ले लें। अगर कन्वर्जन होती है तो वो आपके अकाउंट में, नहीं होती है तो कोई नहीं, गुड ट्राई। ठीक है तरुण, और कुछ है अपने पास अपडेट? सर उनसे मैंने बात करी है, वो कह रहे कि वो बता देंगे आज शाम, बता रहते हैं कल सुबह तक बता देंगे जो भी उनका डिसीजन है। हाँ ठीक है, मतलब ये क्या, ये रमन की बात कर रहे हो ना? नहीं सर, रमन सर की बात नहीं कर रहा, जो रमन सर ने बात बोली थी वो मैंने, जो मेरे ओनर है वो मैथ वाले के ओनर है, मैंने उनसे बात करी थी। अच्छा, और जो रमन सर, और सर रमन सर को मैं भी टेक्स्ट लिख देता हूँ जो आपने बताया। हाँ हाँ हाँ, उसको ये लिखना रमन को, रमन सर, अनूप सर से मेरी थोड़ी बात हो रही थी, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो अगर आप हमें कुछ सरल अकाउंट दे सको तो हम ये कर लेंगे ना कि ओनर से हम डिफाइन करवा देंगे कि कुछ एक लोग जिनकी नेसेसिटी ज़्यादा सेवियर है उनको जीरो वाले ही अकाउंट चाहिए, तो हम उनसे रेशियो ले लेंगे कि कुछ हमारे को आप 5-10 अकाउंट सरल दे दो जिसमें कोई शो ऑफ नहीं है, 5-10 अकाउंट नॉर्मल वाले दे दो जो रख पाएंगे बैलेंस। ठीक है, तो ये पहले तू इसको डाल, रमन को डाल, मीनवाइल अपना ओनर जो है वो भी कॉल ले लेगा, फिर हम उसको ये प्रपोज करेंगे कि हमने रमन को ऐसी चीज रखी है, रमन से जैसे ही कंफर्मेशन आती है तो फिर हम वहां से टेकअप करते हैं। ठीक है तरुण, सब लोग हैं कि नहीं है? मेरी आवाज जा रही है? हाँ मुझे एक्चुअली मोबाइल का डेटा नहीं, कहीं खत्म हो गया और मैं खुद ही को बोल रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा। चलो ठीक है, फोटो क्लिक कर लिया, आप नेक्स्ट ग्रुप को एंट्री के लिए कह दो और आप लोग एग्जिट ले। ओके ओके सर, चलिए ठीक है, बाय।